महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर सियासत जारी है। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए 12 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी सरकार कोई नहीं बना पाया है। ऐसे में महाराष्ट्र में बीजेपी झुकने के लिए तैयार नहीं है और शिवसेना हाथ पैर मार रही है, जिसमें कि 9 नवंबर से पहले यानी कि विधानसभा सस्पेंड होने की नौबत से पहले सरकार बनेगी या नहीं कोई गारंटी नहीं है। महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर सस्पेंस बरकरार है। महाराष्ट्र में कौन होगा मुख्यमंत्री पद का दावेदार? मुख्यमंत्री पद को लेकर शिवसेना प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवसेना का ही होगा। महाराष्ट्र की राजनीति का चेहरा बदल रहा है। आप देखेंगे कि जिसे आप हंगामा बता रहे हैं वो हंगामा नहीं बल्कि न्याय और अधिकारों की लड़ाई है। उन्होंने आगे कहा, सरकार में शामिल होने को लेकर उद्धव ठाकरे फैसला करेंगे। महाराष्ट्र का निर्णय महाराष्ट्र में ही होगा। शिवसेना फिलहाल वेट एंड वॉच की भूमिका में है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। सोनिया गांधी और पवार के बीच बैठक में क्या हुआ हमें उसकी जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि शपथ ग्रहण होगा, ज़रूर होगा, मुख्यमंत्री शिवसेना का ही होगा। दरअसल शिवसेना 50-50 फॉर्मूले को लेकर अड़ी हुई है, यानी कि 2.5 साल बीजेपी और 2.5 साल शिवसेना। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी बात से मुकर गई है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि 50-50 फॉर्मूले को लेकर अब 9 नवंबर से पहले महाराष्ट्र में सरकार बन पाएगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।